हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन। दोस्तों, नोटिफिकेशन तो आप सब ने देख भी लिया होगा, लेकिन जो इसमें मुख्य मुख्य बातें हैं वो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब की बार जो एसएससी जीडी की भर्ती आई है दोस्तों, उसमें बहुत से चेंजमेंट हुए हैं और बहुत से जो बदलाव किए हैं एसएससी ने, वो मुख्यतः दोस्तों ये है कि एसएससी ने भी धीरे धीरे अब बैंकिंग पैटर्न पे एग्ज़ाम करवाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अब क्या होगा कि दोस्त इस बात पे सिलेक्शन नहीं होगा कि आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अब इस बात पे सिलेक्शन होगा कि कितने कम समय में कितने क्वेश्चन सही आप कर पाते हैं, इस बात पे दोस्तों अब सिलेक्शन होंगे। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए अपन नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले है दोस्तों डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट है 27/10 से लेकर लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर आपको फॉर्म फिल करना है। और ये भी नहीं करना है दोस्तों, जल्दीबाजी में अपना फॉर्म डाल दो, क्योंकि दोस्तों कोई भी भर्ती आती है उसके नोटिफिकेशन को 2-3 बार पढ़ना ज़रूरी होता है। मैं बात कर रहा हूँ उन कैंडिडेट की जो सीरियस है इस भर्ती को लेकर, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, या पिछली भर्ती में 2 या 3 नंबर से या कुछ नंबरों से रह गए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बाद में उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, जल्दीबाजी में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दूसरी बात है दोस्तों, देखने वाली इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं लास्ट में जनवरी 2023 में, यानी कि एसएससी ने धीरे धीरे अब बदलावों के साथ अब शुरुआत कर दी है अपने, क्योंकि दोस्तों अब जो पहले वाला समय नहीं है आपको एग्ज़ाम के लिए 6 महीने 12 महीने मिलते थे, अब देख लो आपने कितना सा टाइम दिया गया है, 2 महीने का मुश्किल से समय मिला आपको। आपको इसमें अपना फॉर्म भी फिल करना और तैयारी भी करनी है पूरी। आगे देखते हैं जो मुख्य बातें हैं दोस्तों। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप सबको पता होगा, इसमें सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम होगी और फिर है आपका फिजिकल होगा और मेडिकल, बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है दोस्तों। दूसरी चीज़ है देखने वाली, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाई द कमीशन ओनली इन द हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपकी एग्जामिनेशन होगी दोस्तों। एसएससी दोस्तों केवल आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट सीएपीएफ को सौंप देता है, बाद में पूरा काम सीएपीएफ करती है, यानी कि आपका जो फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन सीएपीएफ के द्वारा ही होता है दोस्तों। फिर देखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों इसमें, एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट, यानी कि एडमिट कार्ड आपके डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, ये तो हर एग्जाम में हो गया दोस्तों, क्योंकि पहले एसएससी बाय पोस्ट से आपका एडमिट कार्ड भेजते थे, चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो या एग्जाम हो। फिर पे स्किल की बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, लेवल वन का पे ग्रेड 18,000 से 56,900, और जो अब की बार वो ये पोस्ट है नारकोटिक्स ब्यूरो की, एनसीबी का मतलब होता है दोस्तों नारकोटिक्स ब्यूरो, इसमें लेवल 3 है 21,700 से 69,100 रुपये। फिर वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट में है बीएसएफ की 10,497 पोस्टें हैं, सीआईएसएफ की 100 हैं, सीएसएफ की दोस्तों हमेशा कम सीटें आती हैं, सीआरपीएफ की 8,911 हैं, एसएसबी की 1,284 है, आईटीबीपी की 1,613 हैं, असम राइफल की 1,697 और एसएसएफ की 103 पोस्टें हैं। ये हो गई आपकी दोस्तों 24,205 पोस्टें हैं, और जो बाकी ये 164 पोस्टें हैं वो नारकोटिक्स ब्यूरो की, अच्छी पोस्टें होती है दोस्तों ये। इसमें दोस्तों जो मुख्य मुख्य बातों को मैंने वैसे भी पहले ही हाईलाइट कर रखा है ताकि आप आराम से देख सकें, और जो 10% सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं। अब दोस्तों अब की बार सबसे बड़ा चेंजमेंट यहाँ हुआ है दोस्तों, एक तो क्या हुआ है दोस्तों आपकी एज को लेकर, दोस्तों आप देख रहे हैं एज लिमिट 18 से 23 ईयर, यानी कि जनरल की एज 23 ईयर तक रहती थी दोस्तों पहले 18 से 23 तक, और ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती थी, एसटीएससी को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलती थी, यानी कि जो पहले ओबीसी का कैंडिडेट था अगर वो 26 साल तक है तो वो फॉर्म फिल कर सकता था, कोरोना महामारी थी उसकी वजह से सबको 3 साल की यहाँ पे छूट दी है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, एसएससी ने सबको 3 साल की यहाँ पे छूट दी है, यानी कि इसका मतलब हो गया अब जनरल की एज होगी 18 से 26 साल, ध्यान से सुनना दोस्तों, जनरल की एज कितनी है 18 से 26 साल। अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो अब वो 26 और इसमें 3 साल की आपको छूट है, यानी कि 29 साल तक का ओबीसी का कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकता है, आप पहले वाली
एज के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि 3 साल सबको बढ़ा दी गई, 3 साल की छूट दी है सबको। और जो ST SC का कैंडिडेट है 23 साल, वो 3 साल की छूट 26 और 5 साल उनकी कैटेगरी की छूट, यानी कि 31 साल तक का ST SC का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म SSC GD का अप्लाई कर सकता है। ये देख सकते हैं नीचे दोस्तों, SC ST 5 ईयर छूट, OBC 3 ईयर और एक्स सर्विस में 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि जो सर्विस काटने के बाद में बचती है उनकी। फिर है दोस्तों देखने वाली बातें हैं इसमें, ये यहाँ पे अपन समय ख़राब नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है ये भी रहने दोस्तों, यहाँ पे कोई काम की नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों हमेशा 10th पास रहती है GD की भर्ती में। अब है दोस्तों NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, जिनके पास में NCC सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। अगर आपके पास में NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% नंबर मिलेंगे। पहले दोस्तों पेपर 100 नंबर का होता था, यानी कि 2% का मतलब 2 नंबर, बी सर्टिफिकेट के 3% और सी सर्टिफिकेट के 5%। लेकिन अब की बार आपका पेपर 100 से नहीं होकर 160 नंबर का पेपर, दोस्तों उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे है दोस्तों, अब यह आपकी फ़ोटो के बारे में। दोस्तों SSC की भर्तियों के फॉर्म फिल करते समय दोस्तों फ़ोटो का हमेशा इशू रहता है, और फ़ोटो के कारण भी कई फॉर्म रिजेक्ट होते हैं दोस्तों। और जो यहाँ पे बताया गया है उसी फॉर्मेट में आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, कोई भी कैप में, गूगल्स में, इनमें आदि, कोई एक साइड की फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो नहीं लगानी है। आगे सैंपल भी दिया गया है फ़ोटो को, किस प्रकार की आपको फ़ोटो लगानी है, तो वही फ़ोटो आप अप्लाई करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट डेट आपको मैंने बता दी 30/11/2022। और अब है दोस्तों 8.4 पैरा, इसमें ये बताया गया है दोस्तों, मैं बता दूँ आपको वैसे ही, कि आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट जैसे जैसे पास में आती है साइड पे ट्रैफिक लोड ज़्यादा हो जाता है। इस कारण कई बार क्या है कि SSC की जो साइट है वो क्रैश हो जाती है और आप फॉर्म नहीं भर पाते। इसलिए बिना समय का इंतज़ार किए आप अपना फॉर्म समय रहते डाल दें। फिर आपकी फ़ीस है दोस्तों, आपको 100 रुपये की फ़ीस देनी होगी, और जो ST SC कैटेगरी है उनको यहाँ पे छूट है। फिर है दोस्तों, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर होंगे। दूसरी चीज़ें आगे देखते हैं दोस्तों, अपन मुख्य बातें हैं। फिर है दोस्तों, ये है दोस्तों बिल्कुल देखने वाली चीज़, क्योंकि सबसे पहले आपका यही पार्ट होगा, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे देखना, ये है कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कॉन्टेंटिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी कि आपके दोस्तों 80 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे पार्ट ए में है आपके, ये हो गई आपकी रीजनिंग, दूसरे में हो गई आपका GK, तीसरे पार्ट में हो गई आपकी मैथ, और चौथे पार्ट में हो गई आपकी हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक लेना पड़ता है आपको। अब दोस्तों रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स के, GK के 20 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स से। और ये देखो दोस्तों, टाइम देखना आप अच्छे से, अब 60 मिनट का टाइम दिया गया है दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों जो SSC ने है, जो बैंकिंग फार्मूला है, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होती है, वो फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करना चालू कर दिया है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इस बात पे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, आपको चाहे 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं इस बात पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास में टाइम नहीं होगा तो आप 100 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे दोस्तों। अब सिलेक्शन होगा कि आपको कितने कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस बात पे सिलेक्शन होगा दोस्तों SSC में। अब ध्यान रखना इस चीज़ को, आप ये मत सोचना मेरे को ये पूरे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको समय ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, फिर है आपकी नेगेटिव मार्किंग, ये देख लो दोस्तों 0.15 मार्क्स, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ही 1/4 ही है। आप कन्फ्यूज मत रहना कि 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 नहीं है दोस्तों, 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका। और फिर आपका दोस्तों देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये SSC हर एग्ज़ाम में होता है नॉर्मलाइजेशन। तो फिर है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों,
आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मेट्रिकुलेशन लेवल का होगा, यानी कि टेंथ का होगा, और ये आपका सिलेबस दे रखा है। वो दोस्तों सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही सिलेबस है पहले वाला ही। ये आपका फिजिकल के बारे में है, फिजिकल में भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। 5 किलोमीटर 24 मिनट में है ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस है 8.5 मिनट में। फिर दोस्तों आपकी हाइट, हाइट आपकी दोस्तों 170 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए। और जो ST SC है उनकी 162.5, जो ST SC कैंडिडेट है मेल में 162.5 होनी चाहिए और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी हाइट होगी, चेस्ट 80 होना चाहिए दोस्तों, बिना फुलाई और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 85 होना चाहिए। और जो ST SC है उनका 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। वेट हमेशा दोस्तों हाइट के अकॉर्डिंग होता है, वेट कोई फिक्स नहीं होता है कभी भी। फिर आपका दोस्तों जैसे ही फिजिकल क्लियर होगा, फिर फिजिकल क्लियर होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट और आएगी, वो मेडिकल के लिए आएगी, फिर आपका मेडिकल होगा। ये अपने काम की चीज़ें नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों यहाँ। हाँ दोस्तों, ये चीज़ आप एक बार विशेष नोट करना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये आपकी है पोस्ट प्रेफरेंस। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो नई कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, ई मित्र पे जाके फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और ई मित्र वाला अपने हिसाब से ये आपको पूछता है कि पोस्ट प्रेफरेंस बताइए। आपको नहीं मालूम होने के कारण आप अपने हिसाब से डाल देते हैं, ये डाल दो। फिर क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम में अच्छी मेहनत की है और पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी आपने, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। बाद में पता चलता है आपको, यार मैंने यहाँ पे गलती कर दी। तो मैं आपको एक बार नोट करवाता हूँ कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है दोस्तों, तो आप नोट कर लें। देखो दोस्तों, 1 मिनट, आप लिख भी सकते हैं दोस्तों यहाँ पे किस हिसाब से, ऐसे कैसे ही मत डाल देना आप, नोट कर ले दोस्तों। सबसे पहले लगानी है आपको SSF, क्योंकि इनकी ड्यूटियाँ दोस्तों दिल्ली में रहती है ज़्यादातर। फिर दूसरे नंबर पे लगाना है NCB, नारकोटिक्स ब्यूरो, अच्छी पोस्ट है। फिर लगाना है आपको CISF, फिर आपको लगाना है असम राइफल, फिर लगाना है आपको SSB। ठीक है दोस्तों, SSB तक हो गया। आगे लगाना है आपको ITBP, ITBP, फिर लगाना है आपको BSF, फिर लगाना है आपको CRPF। ये पोस्ट प्रेफरेंस डालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे दोस्तों, ये भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ तक ये आपके जैसे बराबर नंबर है कोई भी कैंडिडेट के, तो उसका है, ये भी कोई नहीं दोस्तों। नोटिफिकेशन में और कोई, ये कंट्रोल रूम के नंबर दे रखे हैं अलग अलग, और ये आपको फॉर्म किस हिसाब से भरना है दोस्तों। आप खुद से अगर जो पहली बार भरे तो खुद नहीं भरे, ई मित्र से फॉर्म भरवाएं ये, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों, किस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपका फॉर्म फिल होगा दोस्तों, जैसे ये सामने अपने सैंपल। आप इतना रिस्क नहीं ले दोस्तों, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो ई मित्र से ही फॉर्म फिल करवाएं। मैं आपको एक बार फ़ोटो का सैंपल दिखा दूँ, ये देख लो दोस्तों, ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जो फर्स्ट में फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो होनी चाहिए दोस्तों। जो नीचे जो और प्रकार की फ़ोटो है वो नहीं होनी चाहिए, ये कैप में फ़ोटो है ये भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो आप देख लो, ऐसी ऐसी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए, जो ब्लर फ़ोटो हैं, चश्मे के साथ फ़ोटो हैं, ऐसी उल्टी फ़ोटो हैं, ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बस दोस्तों यही है नोटिफिकेशन में, और कुछ भी नहीं है, ये तो फॉर्म में ये बात की बातें हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये मुख्य मुख्य बातें हो गई अपनी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले जो अपने बात की आयु में छूट की बात हो गई, एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव हो गया। अब दोस्तों मेन चीज़ें कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें दोस्तों, मैं बता दूं। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी करेंगे या फर्स्ट टाइम फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपको कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिना कोचिंग आपके सिलेक्शन भी नहीं होगा दोस्तों। और अगर आपने 2 या 3 बार एग्ज़ाम दे रखी है, तो दोस्तों ये कोचिंग करने का, यूट्यूब पे पढ़ाई करने का ये कोई समय नहीं है दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाएँ, और प्रैक्टिस सेट लगाएं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब आप किसी भी यूट्यूब के चक्कर में और कहीं पे कोचिंग के चक्कर में, कई कोचिंग वालों ने, यूट्यूबरों ने ये बता,
उन्होंने ये बता रखा है हम रिवीजन भी करवा देंगे, कोर्स भी करवा देंगे। दोस्तों आप ही बताओ कैसे करवाओगे, 2 महीनों में से 2 महीने बचे हैं, कोर्स भी करवा दोगे और रिवीजन भी करवा दोगे। दोस्तों ये केवल धोखा आपके साथ में, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि आप सेल्फ तैयारी करें, जो भी है बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल पढ़े और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिए, उससे पिछली बार भी दिए या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आपने दे रखी है, तो आपके पास में दोस्तों सेल्फ पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों बुक्स तो आपको पढ़नी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई नया कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए कोचिंग ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये समय इतना सा बचा है, 2 महीने बचे हैं, वे केवल सेल्फ तैयारी के बचे हैं दोस्तों। कोचिंगों का समय तो इसमें बचा ही नहीं है। बताओ मैथ्स भी कंप्लीट नहीं होगी अगर दोस्तों 2 महीने में, तो रिवीजन कैसे होगा? वो केवल और केवल अगर आप जब तक सेल्फ तैयारी नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है दोस्तों, आप सेल्फ तैयारी करें, कोचिंगों के चक्कर में नहीं पड़े। बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर आप इस फील्ड में उतरें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो आपको कोचिंग करनी चाहिए। या फिर अगर आपको और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, इस ये आपका टारगेट नहीं है, तो आप कोचिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे दोस्तों वही चीज़ पढ़ो ना आप जो आपके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जैसे वो 10 क्वेश्चन ले गए करंट जीके के, 2 घंटे ख़राब कर दिए आपने, क्या मतलब निकलेगा दोस्तों उनमें। तो आप जैसे भी कोई आपने मैटर तैयार कर लिया, तो उसमें आप 50 क्वेश्चन आप बना सकते हैं दोस्तों। उसमें केवल टाइम खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तैयारी करते रहिए। फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा वहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।